आज के वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे कि सेना को फिफ्थ परानी से कैसे कनेक्ट करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको सेना को इसके साथ में परानी के साथ में कनेक्ट करने के लिए क्या करूँगा, मैंने ये जो सेम तरीका है मैंने वीआई मोटो और भी एक और ब्रांड है उसके साथ भी कनेक्ट करके देखा है एंड ऑडियो क्वालिटी इज़ प्रीटी गुड। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, बेसिकली काफ़ी लोगों का क्वायरीज आया मेरे को कि सेना 50S या फिर सेना का कोई सा भी जो इंटरकॉम है उसको परानी से कैसे कनेक्ट करना है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा मैं जब भी एक शॉर्ट राइड करता हूँ अपनी वाइफ के साथ में तो मैं परानी मतलब सेकेंडरी हेलमेट में यूज़ करता हूँ और जो सेना है वो मैं अपने हेलमेट में कनेक्ट करता हूँ। और इसको यूज़ करके बेसिकली मैं क्या करता हूँ, जो इंटरकॉम है अपने बाकी सारे राइडर्स के साथ में जिनके साथ में सेना में कनेक्ट होता हूँ तो वो भी परानी के साथ में, मतलब जो परानी यूज़ कर रहा है यूज़र वो भी आवाज़ आप लोगों को सेना में आ जाती है, तो वो होता है ब्लूटूथ इंटरकॉम के ज़रिए। आज के वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे कि सेना को फिर परानी से कैसे कनेक्ट करना है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि सेना जो है इसमें तो मेरे पास में ऑप्शन है 3.5 mm जैक का यूज़ करके मैं इसको बोट के थ्रू स्पीकर में डाल दूँगा एंड इसमें जो है आप लोगों को दिखेगा कि ये फ़ोन मतलब सेना के साथ में कनेक्ट हो चुका है एंड यहाँ से जब भी मैं माइक में प्रेस मतलब टैप करूँगा तो आप लोगों को जो आवाज़ है वो यहाँ पे बोट में सुनाई दे जाएगी, तो आप लोगों को पता लग जाएगा इसका कनेक्शन है। ट्राई करूँगा थोड़ा सा इंटरप्शन ना आए क्योंकि माइक जो है मैंने दूसरी साइड में रखा है, एक यहाँ पर रखा है और एक यहाँ पर रखा है। तो अभी क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सेना को स्टार्ट करने का तरीका ये है कि आप लोग यहाँ पर जो एक पीछे जो बटन है और जो जॉक डायल है उसको प्रेस करते हो इकट्ठे, तो ये देखो हल्का सा जो है वो ऑडियो आया। अभी मैं क्या करता हूँ आप लोगों को अभी दिखा है कि यहाँ पे ये अभी फ़ोन से कनेक्ट हो गया है। तो ये है 3.5 mm का जैक, इसको यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये अभी यहाँ से कनेक्ट हो चुका है, इसको ऑन करके मैं थोड़ा सा इनपुट मोड इसका चेंज करना रहेगा ताकि यहाँ पे साउंड आए। देखो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। हेलो, तो ये देखो अभी यहाँ से जो भी ऑडियो आ रहा है वो बोट में आ रहा है, तो अभी आप लोगों को क्लैरिटी रहेगी कि कैसे कनेक्ट करते हैं। तो अभी देखो मेरा फ़ोन कनेक्टेड आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको परानी को ऑन करूँगा। तो देखो इसका आवाज़ इनफ आ रहा है, मतलब हो सकता है आप लोगों को कैप्चर हो रहा होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको सेना को इसके साथ में परानी के साथ में कनेक्ट करने के लिए क्या करूँगा मैं, ठीक है। तो अभी ये ऑन हो चुका है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे लॉन्ग जो टैप है वो करके रखना है इसको मेन्यू वाले बटन को। अभी ये फ़ोन पेयरिंग में जा चुका है, तो बहुत ही क्विक वीडियो होने वाला है, ज़्यादा कुछ मैं टाइम नहीं लूँगा। अब ये वाला जो है सेना को, इसको मैं लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा जॉक डायल को, तो इसको तब तक पेयर करके रखना है जब तक ये इसमें बोलता है कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू, ठीक है। तो अभी लॉन्ग टैप करेंगे, पहली बार में बोलेगा ये इंटरकॉम पेयरिंग, देन उसके बाद में बोलेगा कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू। अभी प्रेस करके रखा है, देखो अभी कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू में आ गया है। अभी ये वाला यहाँ से चला गया, तो अभी मैं दोबारा से कर दूंगा इसको। अभी कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू में आ चुका है, अब इसको जॉक डायल को प्रेस करते हैं, मतलब प्रेस नहीं इसको घुमाना है। डिलीट ऑल पेयरिंग, रिमोट कंट्रोल पेयरिंग एंड थर्ड वाले, देखो थर्ड वाले में जब किया तो यूनिवर्सल इंटरकॉम पेयरिंग आया, तो अब ये पीछे वाला जो मेन्यू का बटन है ये प्रेस कर देना है, तो अब ये इंटरकॉम पेयरिंग में चला जाएगा। अब इसमें यहाँ पे जो परानी है इसको ऊपर वाले मेन्यू को लॉन्ग टैप करके रख दो फ़ोन पेयरिंग में। अब देखो थोड़ा सा टाइम लगाएगा, अपने आप से छोड़ दो ये अपने आप से कनेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे हो गया ना पेयरिंग, तो अब यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा नॉइस आएगा। अब यहाँ देखो अभी इसको थोड़ा सा मैं माइक में जाके बोलता हूँ, हेलो 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 टेस्ट 1 2 3। देखो तो ये अभी यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट हो गया, और अब इसके बाद में
इसको मैं, देखो आप लोगों को आवाज़ तो आ रही है, थोड़ा सा इको हो रही होगी, तो मैं इसको म्यूट कर देता हूँ पहले। हेलो हेलो, देखो हाँ अभी म्यूट हो गया। अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये जो इंटरकॉम है, इसको आप लोग जब परानी और सेना जब दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तब आप लोगों को क्या करना है, ये वाला जो ऊपर वाला बटन है ये प्रेस करना है। तो उसको प्रेस करके आप लोग जाओगे मैश इंटरकॉम में, एंड मैश इंटरकॉम में जब चले जाओगे, तब उसके बाद में जब आप बाकी जिस भी राइडर से कनेक्ट होगे जो 50S यूज़ कर रहे हैं, या फिर सेना का कोई सा भी अदर मैश इंटरकॉम में है चैनल वन पे या किसी भी चैनल पे, तो वो क्या है, परानी वाला यूज़र की आवाज़ जो है वो उनको सुनाई दे सकती है। तो वो सारे आप लोग ना आपस में कनेक्ट हो जाओगे, तो वो जो साउंड जो आप लोगों को इंटरकॉम होता है वो ब्लूटूथ इंटरकॉम होता है। इसका एडवांटेजेस की मतलब अगर आपके साथ में पीलियन राइडर है तो वो ना मतलब लेफ्ट आउट टाइप से नहीं फील करेंगे, तो वो चीज़ अच्छा ऑप्शन रहता है ये। जैसे कि परानी के किसी भी ऐड में अगर आप देखोगे ना, तो वो मेंशन करते हैं कि सेना के साथ में कनेक्ट नहीं होएगा, बट यूनिवर्सल इंटरकॉम के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो, बट अदरवाइज़ जो मैश इंटरकॉम है वो नहीं काम करेगा। बैक्ड बाई सेना बोलते हैं, बट वो बेसिकली किसी भी सेना डिवाइस के साथ में कनेक्ट नहीं हो सकता, वो ब्लूटूथ इंटरकॉम पेयरिंग के साथ में यूज़ हो सकता है। उसी के साथ में आप लोगों को एक एडवांटेज ये है कि आप लोगों का जो ऑडियो क्वालिटी है ना, वो आप कभी कभी होता है कि मतलब परानी टू बाकी किसी भी इंटरकॉम, मतलब सेना टू किसी भी बाकी इंटरकॉम में अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग फ़ोन लगा के करोगे, बट ये चीज़ जो है ऑप्शन, ये आप लोगों ना ऑडियो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा देगा, मतलब अच्छी ऑडियो क्वालिटी आएगी। और यहाँ पे देन उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, मैश इंटरकॉम में जाना है। तो अभी आप लोगों को बताता हूँ मैश इंटरकॉम में जाके कि वो कैसे आपका ऑडियो कनेक्टेड रहेगा, तब भी चैनल वन में जाने के बाद भी। इसको अनम्यूट कर देता हूँ। तो अभी देखो, ये देखो आवाज़ आ रही है। ओके, अभी यहाँ पे चैनल वन में जाते हैं। मैश इंटरकॉम के लिए ऊपर वाला बटन है यहाँ पे। तो ये देखो अभी भी ओपन मैश में है। अभी मैं इसको देखो टैप कर रहा हूँ, तो ये अभी भी ऑडियो आ रहा है। तो ये आपका जब कनेक्ट हो जाओगे बाकी राइडर के साथ में, तब भी ऑडियो आएगा। तो अब ये जो है, मैं इसको डिसकनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी जो है फाइनली आप लोगों को पता लग गया कि इसको कनेक्ट कैसे करना है। एंड अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होता हो, एक कमेंट करके ज़रूर बताना। ये चीज़ बहुत चीज़ें आप लोगों की रिजॉल्व करेगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि भाई सेना 50S यूज़ कर रहे हैं अगर, या सेना का कोई सा भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। हम लोग पीलेन के लिए ख़रीदते हैं, मतलब साथ में कोई भी फैमिली मेम्बर राइड कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं भाई सेना यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑप्शन नहीं रह जाता। तो परानी यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई सा भी जो इंटरकॉम है, परानी ज़रूरी नहीं है। ये बैक्ड बाई सेना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को बैक्ड बाई सेना या फिर सेना ही ख़रीदना है। मैंने ये जो सेम तरीका है, मैंने VI Moto V8 करके जो है एक ब्रांड आती है, उसके साथ में भी कनेक्ट करके देखा है, और भी एक और ब्रांड है उसके साथ भी कनेक्ट करके देखा है, एंड ऑडियो क्वालिटी इज़ प्रिटी गुड, मतलब कोई ज़्यादा लैग नहीं है। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, ऑब्वियसली सेना टू सेना का जो होता है वो HD जो ऑडियो है वो रहता है, बट इसमें जो है आप लोगों को ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो इसी तरीके से था, आप लोग जो इसको कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो आज का पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि ये देखो बहुत चीज़ जो है मतलब आप लोगों की सेव कर देगा, आप लोगों को प्राइस सेव कर दे, मतलब जो भी आप पैसा स्पेंड करने वाले होगे सेना खरीदने के चक्कर में, वो चीज़ आप लोगों का पैसा बच जाएगा इसमें। क्योंकि कभी होता है मतलब जब सिर्फ दो ही राइड कर रहे हैं ना, तो आगे पीछे मतलब पीलियन के साथ में बात करनी है, तो ज़रूरी नहीं आप लोगों को सेना खरीदना, आप कोई सा भी इंटरकॉम खरीद सकते हो और उसको इजीली आप सेना के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताना ये वाला वीडियो कैसा लगा। और इसी के साथ में मैं आगे कंटिन्यूएशन में भी बनाने वाला हूँ, इसी ब्लॉग का सेकंड कंटिन्यूएशन रहेगा कि जो सेना है, मैं पहले XR हेलमेट में यूज़ कर रहा था, उसके साथ में मैं अभी इसको, मैंने SMK का हेलमेट लिया है एक, एंड देन आप लोगों को रिव्यू बताऊँगा उसका कैसा है। कोई भी आप लोगों की क्वायरीज है वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर भी रीच आउट कर सकते हो। माई इंस्टाग्राम आई डी इज़ नदी मलवी ब्लॉग्स। इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।